एसजीपीसी दे एग्जीक्यूटिव मैंबर जथेदार अमरीक सिंह विछुआ दे वल्लों दिवाली अते बंदी छूट दे पवित्र त्यौहार नूं लैके इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल विशेष गलबात की थी। उन्हां कहा कि इस दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर दे किले चों 52 राजां नूं रिहा करवा के अमृतसर पहुंचे सन अते उन्हां दी आउण दी खुशी दे विच संगतां वल्लों देसी घिओ दे दीवे जगा के दीपमाला की गई सी। इस त्यौहार मौके ते देशां विदेशां तों वड्डे पद्धर ते संगतां आण के गुरु घर नतमस्तक हुंदियां ने ते गुरु घर दीआं असीसां प्राप्त करदियां हन। अक्सर त्यौहारों का जो सीजन आता तो त्यौहार जोड़े ने व्डे पद्धर से मनाए जाते हैं, पर जो दिवाली के त्यौहार की गल करिए तो दिवाली का त्यौहार जोड़ा आ श्री हरिमंदर साहब अमृतसर विखे बड़े उत्साह मनाया जाता, जिते कि देशों विदेशों दंगत जे पद्धर से नतमस्तक होंदिया ने गुरु साहब दसीसा लेंदिया ने, क्योंकि उस दिन ही जिस दिन दिवाली का त्यौहार आता उस दिन ही बंदी छोड़ दिवस भी जोड़ा मनाया जाता। उस गल कर ली जे कमेटी मैंबर ने अमरीक सिंह जी विछोआ अंतरिक कमेटी के मैंबर ने साडे नाल मौजूद ने, आप गल करा। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बंदी छोड़ दिवस के बारे जिमें कि श्री हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर के किले बंद किया गया सी, उन्होंने रिहाई के समय वो जो बाहर आए थी तो नाल ही बाकी जे राजे जे हिंदू राजे सन जोड़े वो भी उन्होंने पला पड़ पड़ के सारे बाहर आए थे। उस दिन बंदी छोड़ कहा जाता तो उस खुशी के सारी संगत ने दीपमाला की थी। वो दीपमाला तो नाल ही दिवाली का त्यौहार बच्चे आ गया। हिंदू धर्म जोड़ा से वह दिवाली मनाते हैं क्योंकि रामचंद्र ने जो बनवास मिलया तो वह बनवास का जरा 12 साल का पूरा होया तो सीता लैके वापस घर जो आए उन्होंने अपनी दिवाली मनाई। दीप सिखा ने बंदी छोड़ में जो श्री छेवें पातशाह रिहाई मिली तो दिन जरा मनाया गया तो उन्होंने दीपमाला जी श्री हरिमंदर साहब की तो उस समय तो लैके हूँ तक सिख जे ने दीपमाला के तौर पर बंदी छोड़ दिवस जो मना रहे बड़ी श्रद्धा न मना रहे हैं। खास करके अमृतसर के जी है दीपमाला जी होंगी है वो सारे जगत के बड़ी मशहूर है कि असी जाके हरिमंदर साहब जाके मत्था टेकना इस दिन के उत्ते बंदी छोड़ दिवस जो बड़ी धूमधाम से मना। मैम साहब जिस तरीके देखा कि दिवाली का त्यौहार जिस तरह बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता नाल एक गल कही जाती है पंजाबियों का कितना कितने खाण भी मशहूर होंगे कि दाल रोटी घर की दिवाली अमृतसर की बहुत मशहूर होंगे, लोग कितने कितने व्डे पद्धर से नतमस्तक होने पहुँचते हैं। इस बार जिते इस तरह है जो अमृतसर के जिते दीपमाला की जाती है सिखा वालों क्योंकि वो बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, हिंदुओं वालों जी दीपमाला की जाती है रामचंद्र जी वालों, तो बहुत सारी मंडियां जड़िया ने पशुओं दंडियां होर तरह दिवैशा जीडिया ने यह अमृतसर लगदिया ने सारे पंजाब के छड़िया बाहरों भी लोग संगत जी वो आके इतने नमस्तक होंगी है। इस वास्ते जी इन रौनक वेख के सारे इस गल की खुशी मनाते हैं ता ही अखंड बनया दिवाली अमृतसर की। बिल्कुल, जिस तरीके आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह होंगे लोगों से इस त्यौहार को लैके क्योंकि जैसे सिखा भी त्यौहार महत्वपूर्ण होंगे तो हिंदुओं वास्ते भी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि हिंदू जो वीर ने दिवाली करके मनाते हैं तो जो सिख जगत है वो ज़्यादातर बंदी छोड़ दिवस में मनाता है तो दोवे त्यौहार इकट्ठे एको दिन आते रल मिल के सारे जो धर्मों मनाते हैं। पर नाल जिते ऐश्वरी सिंह साहब वालों भी एक अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों भी एक बयान दिता गया कि एक तरीक नूं जिहड़े आ उह सिर्फ देसी घिओ दे दीवे जगाए जाण अते जिहड़े लाइटां ने उन्हों ना जगाया जाए किसी तरह की आतिशबाजी ना की जाए। एक जो आदेश जारी किया एक अफसोस का चिन्ह है क्योंकि 31 अक्टूबर को जो इंदिरा गांधी का कतल होया तो सिखा की नस्लकुशी की गई उस अफसोस वालों उन्होंने जरा हुक्मनामा जारी किया कि जिते सिखा की नस्लकुशी की गई है इन्हें अत्याचार किया गया तो उत्थे आपां होर नहीं तो चलो बंदी छोड़ दे उत्ते मनाउणा ही आ पर इहनूं असीं इस तरीके नाल मनाया जाए कि जिते साडा अफसोस का जो चिन्ह है भी लोगों में नजर आए। पर जिस तरीके का दिवाली के त्यौहार में लैके काफ़ी उत्साह होंगे लोगों को की अपील करनी चाहते जी संगतों को की मैसेज देना चाहते जे संगत होम होम आगे पहुँचदिया ने कि उत्साह होंगे सकता भी जाके आतिशबाजी देखा गया की मैसेज देना चाहते संगतों को तो यही बेनती करते हैं भी क्योंकि सिंह साहब का जो आदेश है वह समझना भी अकाल पुरख का ही आदेश है वह आदेश की पालना कर जितना भी मन दिवाली जी है जितना मनानी आ पर वो ना तो पटाके चला ना वड्डी पद्धर से दीपमाला की जाए सिंह साहब के वगू जिन्हें भी देसी घ्यो के दीवे जोड़े इतने जगाए जाने हैं क्योंकि अगर वेखे असं भी दरबार साहब के जो दीपमाला करते हैं तो उसे आतिशबाजी चलाते हैं तो करोड़ों रुपये का खर्चा जोड़ा वा वो हों जिथे नाल पोल्यूशन भी फैला इस वास्ते उन्होंने जो आदेश किया भी देसी घ्यो के दीवे बाले जाण दरबार साहब ये बहुत वड्डी गल है सानू उन्हां दे आदेश की पालना करनी चाहिए आ असीं वेखदे हां भी लोग जिहड़े खास करके साढ़े सिखां दे विच वी कोई इहे हैगे आ जिहड़े हिंदू ते धर्म दे नाल ही रले हुंदे आ क्योंकि समाज सांझा आ इहदे विच नाल ही सफाइयां करनियां
कई दिवाली वाले दिन जो दूजे लोग ने जुआ खेडना शुरू कर देंगे भी दिन बड़ा त्यौहार है तो है इस तरह मनाते हैं तो वक् वक् सोच के बंदे वक् वक् तरीके मनाते हैं। असं तो सिंह साहब यो अपील करते हैं सिख जगत को खास करके कि बंदी छोड़ दिवस जरा जो मना तो इन इस तरीके मनाया जाए जिमें सिंह साहब ने देश दिए हैं। बिल्कुल जी लगातार तस्वीर तुम वेख रहे थे साढ़े नाल एस जी पी सी तो अंतरिक कमेटी के जेडे मैंबर ने अमरीक सिंह जी बछोआ मौजूद थे जिन्हों वालों खास तौर पर दसया गया कि दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है अमृतसर वे तौर पर सिंह साहब वालों दी गई जी एक अपील की गई है सिख जगत को संसार में कि इस दिवाली वाले दिन जरा वा पटाकों तो रहत दिवाली मनाई जाए लाइटा तो बगैर दिवाली मनाई जाए दिवाली जी देसी घोदे दीवे गा के मनाई जाए उस तरीके का भी उन्होंने दसिया कि सिंह साहब के आदेशों मनना चाहिए सिंह साहब का जो फरमान है सानू जो गुरु साहब का फरमान समझ के मनना चाहिए। बाकी जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल जनाला तो जगजीत सिंह की रिपोर्ट।